अरे केशव, इस राम कपूर के रूम की लाइट कैसे चली गई? देखो जाके, बाकी सब जगह तो लाइट है। अरे ये क्या हो गया? मुझे प्रेजिडेंशियल सुइट की लाइट बगानी थी ताकि अंधेरे में मैं अपना काम कर सकूं। राम के कमरे की लाइट चली गई तो कोई ना कोई जरूर यहाँ पे आएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मतलब चेक करना पड़ेगा ना। एक कमरे में लाइट नहीं है, बाकी सब में है, मतलब कुछ तो समथिंग इज अमेस, कुछ गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं कपूर, काम डाउन, आप इतना परेशान मत होइए। शुभम प्लीज तुम चेक करो ना जाकर। या मैं चेक करके आता हूँ। अब इनके लिए इलेक्ट्रिशियन भी बनना पड़ेगा। सुन शुभम, एक काम कर, उनको जाके बोल कि ये रिसोर्ट अब मेरा है, ओके, मैंने खरीद लिया है, ये सब नहीं चलेगा, ओके। ऑल्सो मेक श्योर कि मेरा और प्रिया का लगेज ना ट्रांसफर हो जाए, शिफ्ट करना है हमें प्रेसिडेंशियल स्वीट में। प्रिया, माई इंस्टिंक्ट्स वर राइट, आई एम टेलिंग यू, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा और हुआ। तुम नहीं जा रहे हो मिस्टर कपूर, तुम नहीं जा रहे हो। हमने इस बारे में बात कर ली है ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? प्रिया तुम मेरी बात समझने की। अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए, रिलैक्स, ये लीजिए पानी पीजिए आप, और मैं क्रिश से बात करती हूँ, सब देख लेगा, ओके। हेलो क्रिश, हमारे रूम की लाइट चली गई है और रिजॉर्ट में कहीं भी लाइट नहीं गई है, बस पता नहीं यहाँ की कैसे चली गई है। प्रिया तुम्हें अब तक तो यकीन हो गया होगा कि इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता। जब से हम लोग यहाँ आए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जब तक हमारी बात हो रही है मैं सर्वेलेंस पे आदि को खड़ा करके आया, और कि देखिए उसे कहीं शशि दिखता है तो। तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि सिर्फ वही है जिसकी गर्दन फंस गई है, इसलिए ये काम या तो वो खुद करेगा या किसी और से करवाएगा। जल्दी करो मिस्टर राम कपूर, उनकी वाइफ को फॉरन प्रेसिडेंशियल सूट में शिफ्ट करो। ओ नहीं 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 नहीं, अब क्या करूंगा मैं, पेपर तो प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर ही है। ठीक है मैं चेक करके बता दूं। ठीक है ओके, चेक कर रहा है वो। वाओ सब कुछ कितना ग्रैंड है ना इधर। बिल्कुल, वो तो होना ही था। By the way, जो केक आज मैंने बनाया वो सबको खाना पड़ेगा वरना पनिशमेंट मिलेगी। मतलब मामी के बाद अब सबको पनिशमेंट? पनिशमेंट तो मिलेगी, ईशान से सॉरी बुलवाया था ना, सजा तो पक्का मिलेगी। मिस्टर कपूर रिलैक्स। कैसे करूँ रिलैक्स यार, मैं स्ट्रेंज नहीं लग रहा, मतलब पूरे रिसॉर्ट में सिर्फ हमारे ही रूम की लाइट गई थी। स्ट्रेंज तो है लेकिन क्रिश है ना, वो सब मैनेज कर लेगा, वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसकी आंखों से कुछ नहीं बचता है, डोंट वरी। कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही आजकल क्रिश की? अब स्मार्ट है तो तारीफ तो होनी चाहिए ना, वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तभी कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर हमेशा फिदा रहती थी, और उनके बॉयफ्रेंड्स है ना वो भी ऐसा ही मुंह बनाते थे जैसा आप बना रहे हैं, जब वो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के सामने उसकी तारीफ करती थी, सो यू नो आई गेट इट। Oh, you get it, yeah, nice. फिर भी मुझ पे यू अत्याचार करोगी नहीं? पता है मैं ना इन सब चीजों का ना नोट बना रहा हूँ यहाँ पे, जवाब दूंगा मैं इसका। क्या किया अब? स्ट्राइक करोगी ऐसे स्माइल देख के मुझे? वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। राम भाई, आप दोनों का सामान प्रेसिडेंशियल सूट में शिफ्ट कर दिया गया। थैंक यू शुभम। एंड आई भाभी, yeah, I'll see you guys, yeah. So, what do you think? कैसा लगा मेरा परफेक्ट ब्रदर होने का परफॉर्मेंस? शुभू, ये सब कुछ तुम मुझे खुश करने के लिए मत करो, ओके? राम को खुश करने के लिए कर। सुन, मुझे राम की नजरों में अपने आप को वर्दी प्रूव करना है, समझे? Yeah, at the cost of my party. Right. इतना छोटा सैक्रिफाइस? मेरे सैक्रिफाइस के आगे कुछ नहीं है। आपका सैक्रिफाइस? What do you mean? Watch me. बस क्रिश आ जाए तो। गाइस, आई जस्ट चेक्ड, तुम्हारे रूम का फ्यूज फ्लोर पे गिरा हुआ था। वो अपने आप तो गिर नहीं सकता, इसका मतलब किसी ने जानबूझ के। मेरा जी, वो एक्चुअली कुछ दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हम दोनों समधन का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव से गुजरा है, काफी कुछ झेल चुका है, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगता था कि प्रिया सही बहू नहीं है इस घर के लिए, राम के लिए सही वाइफ नहीं है। आई मीन प्रिया आइडियल डॉटर इन लॉ मेरे लिए वो नहीं फिट हो रही थी उस पिक्चर में, यू नो।
लेकिन मैं गलत थी, प्रिया सबसे अलग है. इनफैक्ट अलग नहीं, वो तो बिल्कुल मेरे राम की तरह है. वो ना सिर्फ राम से प्यार करती है लेकिन दूसरे सबसे इतना सेल्फलेसली प्यार करती है, सेल्फलेसली सब कुछ करती है लोगों के लिए. मुझे ये अभी समझ में आया और मैंने प्रिया को एक्सेप्ट कर लिया है. अब मेरे मन में भी कोई गिले शिकवे नहीं है. ग्रेट. एक मिनट इधर आओ, जाओ. थैंक यू जी. टू न्यू बिगिनिंग्स. सब गड़बड़ हो गई. अब राम और प्रिया प्रेसिडेंशियल सूट में होंगे तो मैं अपना काम कैसे करूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा. कहाँ थे तुम? क्यों, राम ने बताया नहीं? बीच पर था. हाँ पर तुम्हें तो बीच. सारा मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी मैं फालतू की बातें नहीं कर सकता. प्लीज ये कह रहा है बीच पे था मगर जूतों पे रेत का एक निशान नहीं, मतलब झूठ बोल रहा है वरुण. लेकिन क्यों? डैड, व्हाट इज ही अप टू? ईशान से भी इतनी देर तक दूर रहा, ऐसा तो कभी नहीं किया इसने. He is definitely up to something. ये जिसने भी किया या करवाया है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर है. मैंने फुटेज चेक करने की कोशिश की बट देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच. तो फिर अब? कुछ नहीं, मैंने आदि को लगाया चेक करने के लिए. कुछ भी पता चलेगा तो हमें बताएगा. बट गाइस, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. हमें उसे जल्द से जल्द मिलना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइट आउट के पीछे शशि का हाथ है. और अगर ऐसा है तो उसको पूरा अंदाजा है कि हम संतोष से मिलने वाले हैं. और इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे हमें उससे मिलना होगा. प्रिया, इसका ये मतलब है कि हमें एक्चुअली तुम्हें केयरफुल रहना होगा. हाय. हाय. हाय कृष. प्रिया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है. सारा दीप, बाद में करते हैं प्लीज. प्लीज प्रिया, बहुत अर्जेंट है. अच्छा बस 5 मिनट. ओके. हाँ. आती हूँ. ए, आदि, कुछ पता चला? अरे कुछ नहीं मिला राम, सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया. एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये शशि कहीं दिखाई नहीं. ये तो अच्छी खबर है. नहीं? या शायद नहीं राम, क्योंकि अगर ये काम शशि का नहीं है तो जरूर उसके किसी आदमी का है जो यहीं कहीं है. इस घर का भेदी है वो, जो इस बार रावण की लंका नहीं ढाएगा बल्कि राम का बुरा कर जाएगा. बुरा, बहुत बुरा. अच्छा मैं गलत हूँ तो अब बताओ प्रिया दी प्यूक क्यों कर रही है? बताओ 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 बताओ. अरे वो इसलिए क्योंकि उसने वो केक खाया. केक? हाँ. Actually, you know what? I agree. मुझे इतना यमी केक बनाना ही नहीं चाहिए. Point. वो एक्चुअली क्या है ना कि प्रिया जब बहुत ज्यादा चॉकलेट खा लेती है ना तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है. सारा, ये मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आ रहे. हाँ, वेरी गुड. गाइस, गर्मी का सीजन है, ज्यादा खाने से पेट अपसेट हो जाता है. इट्स ओके. मैं तो पहले ही बोल रही थी राम भाई को खिला दो, राम भाई को खिला दो. कोई मेरी सुनी नहीं रहा. उनको कुछ भी डाइजेस्ट हो जाता है, 3 दिन पहले का खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है. नो, आई एम सीरियस. मैं अभी आई. एक्सक्यूज मी. चलो कोई नहीं, चलो. सारा, ये बैग तुम सुबह से लेके घूम रही हो, थक गई होगी. लाओ, मैं संभाल लेता हूँ. नहीं, इट्स ओके. मैं अपने सामान का ध्यान रख सकती हूँ. इट्स ओके. पर इसमें अब मेरा सामान है जिसका ध्यान तुम्हें नहीं मुझे रखना है. लेने हैं वो पेपर्स. पेपर्स बाद में लाना, फिलहाल हमें उस मैनेजर तक पहुंचना है. पता नहीं कहाँ गया वो साला. मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ. डैड. क्या हुआ ईशान, सब ठीक है ना? ऑल ओके? नहीं डैड, कुछ ठीक नहीं है. एक्चुअली आई एम सॉरी, वो प्रिया मासी की तबीयत मेरी वजह से ही खराब हुई है. वो शिविना के रेसिपी के पेजेस मैंने ही मिक्स कर दिए थे. लेकिन सच्ची में प्रिया मासी को तंग करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. लेकिन पता नहीं अब वो रिसॉर्ट के हेड मैनेजर से मिलने कैसे जाएंगी. रिसॉर्ट के हेड मैनेजर से मिलने? हाँ, जब मैं आज वो रेसिपी के प्रिंटआउट लेने गया था ना
तब मैंने उन्हें उस अंकल से बात करते हुए सुना था। क्या नाम था उनका? एस से नाम था कुछ शायद। संतोष। हाँ हाँ संतोष। तुमने जो किया ना ये बहुत गलत किया ईशान। खैर ईशान अब जो हो गया सो हो गया। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होने डैड? आई एम सॉरी। नहीं नहीं इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी प्रिया मासी ना जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ अच्छा मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ, मिलता हूँ फिर। हाँ कहाँ जा रहे हो डैड? अब वो तुम्हारी प्रिया मासी को दवाई देनी होगी ना, तो वही मैं लेने रिसेप्शन पर जा रहा हूँ। थैंक यू डैड, आप हर बार मुझे बचा लेते हो। प्रिया प्रिया, अरे अरे तुम ठीक हो ना प्रिया? प्रिया एक सेकंड ये लो, ये आइसक्रीम खाओ, यू विल फील बेटर। थैंक यू। थैंक्स टू यू। नहीं जेन्युइनली थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां है क्योंकि तुम हो। आप अपने वर्ड से एक्सप्रेस करें ना करें, आप अपने एक्शन से हमेशा दिखाते हैं मिस्टर कपूर। अरे प्रिया बट बैठो, तुम क्या कर रही हो? दैट्स नॉट इनफ पढ़ना। मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ट्राई करूँ तुम्हारी केयर करने के लिए, तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए, और ये जता सकूँ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। लेकिन यू नो वॉट, मैं हर बार हार जाता हूँ, हर बार। मतलब तुम मुझसे आगे ही निकल जाती हो मेरी केयर करने में, मेरे परिवार की केयर करने में। पर अब नहीं प्रिया, अब बहुत हो गया। वी हैव टू टेक स्पेशल केयर, ओके? अब से ना तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगी, अपना ख्याल रखोगी, दैट्स इट, ओके? बाकी लोग गए भाड़ में, तुम्हारी अपनी खुद की केयर। एंड आई विल मेक श्योर यू डू इट। आइसक्रीम खाओ पहले, आइसक्रीम खाओ जल्दी 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 जल्दी। या आप खाइए। नहीं नहीं मैं तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूरत है इसकी, पोषण की। ठीक है तो फिर दीजिए। क्या आपकी पिल्स? मुझे मन मचल रहा है, मुझे ऐसा अजीब सा हो रहा है, तो उल्टी रोकने की कोई दवाई होगी ना? दीजिए। अरे भैया क्या कर रही हो? नहीं मैं नहीं दे सकता तुम्हें ये दवाइयाँ, ऐसे ऐसे थोड़ी मैं दवाइयाँ दे दूंगा और तुम खा लोगी। तुम बैठो, तुम बैठो। अरे मिस्टर कपूर आप ऐसे रिएक्ट करें जैसे मैंने आपकी प्रॉपर्टी मांग ली हो। अरे तो प्रॉपर्टी मांग ली थी ना, आई मीन वो तुम्हारी है। आई मीन जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, हम सबका है, मतलब हमारा है। मतलब तुम नहीं सुनो प्रिया, मेरे कहने का मतलब है ना, ये अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिंस या ड्रग्स ना ये अब नहीं ले सकते, ओके? अब ना जो डॉक्टर देगा ना वो, और तुम कह रही हो ये, तुम वो पता है कौन हो जो हमेशा मुझसे आगे होता है, मतलब सब बात को एकदम परख के समझ के। पर मैंने ऐसा क्या मांग लिया? सिर्फ दवाई तो मांग रही हूँ। हद है मिस्टर कपूर। हाँ। आप तो अपनी ही मर्जी चला रहे हैं। आपको पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? इतना अजीब सा हो रहा है। हाँ, होता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर ही जाऊँ। नहीं 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 ऐसा नहीं बोलते प्रिया, आई नो तुम्हें अजीब लग रहा है, ये फीलिंग नहीं है। जिसको भी होता है वो पहली बार ही होता है, तो मतलब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ओके? नीचे इतना अबनॉर्मल बिहेव करके आई हूं मैं, पता नहीं सब लोग क्या सोच रहे होंगे, सब कितना परेशान हो गए होंगे, आप कितना परेशान हो गए थे, शिवीना वो भी अपसेट हो गई होगी ना, सारी प्लानिंग उसने की थी, केक बनाया था और मैंने पूरा केक खा लिया, बिल्कुल बच्चे की खुशी में सारा खा लिया। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें खुशी मिली तो मुझे खुशी मिली, तो सब खुश हो गए, सारे खुश हो गए, मतलब सबको खुशी मिली। सबको खुशी मिली मतलब? अरे प्रिया इट इज सच अ ग्रेट डे यार, मतलब उस मैनेजर का मिलना, ईशान का अनाउंसमेंट, और अब ये, मतलब सारी खुशी की खबरें ही हैं, नहीं? ओह अब समझी, मिस्टर कपूर ईशान की स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट को लेकर इतने एक्साइटेड है। मिस्टर कपूर ईशान के साथ आपकी बॉन्डिंग देख के ना बहुत अच्छा लगता है, और आपको पता है उसका भी यही कहना है कि आप उसके सबसे कूल फ्रेंड हैं। रियली? मतलब हाँ? हाँ। अब प्लीज आप ये मत कहिएगा कि आप सबसे कूल डैड होंगे। मतलब 100% मैं डैड बनने वाला हूँ। प्रिया दिस इज नॉट फेयर, बट क्या 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 हमें इतनी खुशी की बात है, ये पहले मुझसे शेयर करनी चाहिए तुम्हें। हाँ पर मैंने नहीं की क्योंकि मुझे लगा आप सर पर चढ़ जाएंगे, फिर आप ईशान के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे खड़ूस बुलाएंगे और पता नहीं। नहीं नहीं, नहीं प्रिया ऐसा कुछ नहीं, कुछ ना करें, ओके? मैं बिल्कुल नहीं सताऊंगा तुम्हें, मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल नहीं सताऊंगा, पर अगर तुम्हारा आइसक्रीम हो गया तो हम नीचे चले गए यहाँ से। हाँ वैसे भी यहाँ बैठे बैठे ना और बीमार हो जाऊंगा ना, मुझे वही लग रहा था।
तो हम नीचे चलते हैं और अनाउंसमेंट पहले डॉक्टर से वो चेकअप करवा लेंगे ये ऐसे अंदर से और फिर पूरा और फिर जाके अनाउंसमेंट कर देंगे। नहीं नहीं एक मिनट, चेकअप की क्या जरूरत है, जाके अनाउंसमेंट करते हैं ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ और सारा दी दोनों इतने खुश हो जाएंगे। ऑब्वियसली मासी और नानी जो बनने वाली है। और ईशान वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। हाँ वो घर में सबसे छोटा नहीं रह जाएगा ना, अरे बड़ा भाई बन जाएगा। हाँ हाँ तो जाते ना सबको खुशखबरी देते हैं, सबको बताते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, लेट्स गो। पर 90% तो श्योर हम हैं ना कि हो गया। हाँ लगता है आप ईशान का ब्रॉड एडमिशन करवा कर ही रहेंगे, वैसे भी आप जो काम हाथ में लेते हैं पूरा करके ही रहते हैं। भैया कहाँ खो गए? नहीं मैं सोच रही थी कि मिस्टर कपूर आपका किया हुआ काम है 90% क्या 100% सक्सेसफुल होगा। कभी कभी इतना बोल्ड हो जाती है जो मुझे क्लीन बोल्ड ही कर देती है। क्या कहा? नहीं कहा, चले अनाउंसमेंट करें सबको। हाँ आइसक्रीम खानी है और नहीं चलते हैं। चलते हैं मैं अनाउंसमेंट करेंगे। मिस्टर कपूर ईशान की केयर करते हैं वो तो मुझे समझ में आता है, पर आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है पता नहीं क्यों। So, I have an announcement to make. Okay. मेरी बीवी प्रिया इज प्रेग्नेंट। मैं आपके डैड से तब मिला था जब मैं काफी यंग था। उन्होंने मेरे पापा को जेल भी करवाई लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो बहुत अच्छे इंसान थे और जब हमें एक दिन न्यूज आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया और कोई भी नहीं बच पाया तो हम सब दुखी थे और परेशान भी थे क्योंकि उस वक्त तक मेरे पिताजी अभी तक जेल में ही थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा हमारा, कौन पालेगा हमें। तभी शशि जी आए हमसे मिलने अपने पिता के साथ। साहिल पप्पर जी। और आके क्या कहा उसने? आप सच में जानना चाहते हैं क्योंकि वो तो आपके दोस्त हैं और वो पूरा सच जानना चाहता हूँ अभी के अभी बताओ मुझे। मिस्टर साहिल बब्बर ने ही मेरे पिताजी को जेल से निकलवाया था और आपके डैड के बारे में सब कुछ बताया था मुझे, उनकी पूरी असलियत। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मैं कह रहा हूँ आप नहीं सुन पाएंगे सर। तुम्हें बात समझ आ रही है क्या संतोष? Just tell me the damn thing. आपके डैड मेरे पापा का इस्तेमाल कर रहे थे। मिस्टर वीरेंद्र कपूर इस रिजॉर्ट को इलीगली बनवा रहे थे और इसके लिए वो पॉलिटिशियन से लेकर गुंडों तक सबसे हाथ मिला रहे थे। बकवास बंद करो, झूठ बोल रहे हो। किसने कहा है तुम्हें ये सब मुझसे कहने के लिए? हाँ किसने कहा है संतोष? झूठ बोल रहे, मेरे वीरेंद्र ऐसे कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि कोई यहां हमसे पहले पहुंच गया है। राम राम रिलैक्स, गुस्सा होने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक काम करो, इससे इसकी बात के सबूत मांगो। सबूत क्या है इस बात का तुम्हारे पास? सबूत क्या है? आप खुद ही आके पॉलिटिशियन से बात कर लीजिए, वो अभी अभी इलेक्शंस जीते हैं। उन्होंने इनफैक्ट आपके पिताजी को मुंबई में एक लैंड भी गिफ्ट की थी, वो भी बहुत पॉश इलाके में। अब आपके पिताजी एक मामूली सी नौकरी करने वाला आदमी, इतना पैसा आखिर कहां से लाएंगे वो? मेरे डैड के बारे में कुछ नहीं जानते हो? नहीं सर आप नहीं जानते आपके डैड के बारे में। आपके डैड की वजह से मैं अपने डैड से कितने सालों से नफरत करता आया हूं, ये सोच के कि वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन असल में आपके डैड एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। ज़बान संभाल कर। राम 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 रिलैक्स। लुक, ये तुम्हें गुस्सा दिलाकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है। एक काम करो, इससे बोलो कि अपनी बात पूरी करें। आगे बोल। और मेरे पापा आपके डैड के कहने पे ये सारे इलीगल काम किया करते थे। वो इस काम में अकेले नहीं थे, मिस्टर कुमार भी उनके बराबर के पार्टनर थे और एक्सीडेंट वाली रात वो यहाँ अलीबाग आए थे क्योंकि साहिल बब्बर को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था, ताकि वो अपने सारे काले कारनामे छुपा सके। और स्मार्ट है, सारी बात हमारे ऊपर ही डाले जा रहा है। और ये बात तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड लोगों को पैसा खिलाने के लिए अपने ही अकाउंट से पैसा दे रहे थे, भी लाखों करोड़ों में। इस बात का प्रूफ है मेरे पास। हाँ पर उस बैंक अकाउंट में पैसे कौन डलवा रहा था? कंपनी ही। और कंपनी किसकी थी? हाँ मिस्टर कुमार और बब्बर की, भूल गए? हाँ सर, लेकिन आप बैंक से पैसा निकलवाने के लिए तो सिग्नेचर किसके लगते थे? आपके डैड के ना, भूल गए? तो फिर शशि उन गुंडों को पैसे क्यों खिला रहा था? जमीन पर कब्जा करने के लिए।
ये सब बकवास कर रहे हैं आदमी। राम तुमने सुना प्रिया ने क्या कहा? अगर जो तुम कह रहे हो वो सच भी है तो शशि अभी तक उन गुंडों को पाल क्यों रहा था हमारी जमीन पे कब्जा रखने के लिए? फिर इसका जवाब तो आपको शशि जी दे सकते हैं, मैं नहीं। मैं तो बस आपको ये बता सकता हूँ कि मिस्टर साहिल बब्बर को आप लोगों की बहुत फिक्र थी। इनफैक्ट उन्होंने ये बात मेरे पापा को भी बताई थी कि उन्हें वीरेंद्र कपूर और मिस्टर कुमार से कोई नाराजगी नहीं है। उन्हें तो सिर्फ इस बात का अफसोस था कि वो उन्हें सही रास्ते पे ना ला सके और उनकी करनी का फल आपको और आपके परिवार को। परिवार पर मचाना, डोंट गेट माय फैमिली इन्वॉल्वड, ओके? उसे एक सवाल है तुमसे। उस दिन जब मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा महान साहिल बब्बर कहाँ था? सर वहीं हमारे घर पर हमारी फैमिली के साथ, और वहीं उन्हें फोन आया था कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और वहां पर कोई नहीं बच सका। सर अगर आप चाहें तो वो पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करवा सकते हैं, वो हमारे घर पर ही थे। जेल से छुड़वा कर उन्हें डायरेक्ट वो घर ले आए थे। सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ लग रहा है मुझे, जिन लोगों के साथ आपके डैड इलीगल डील्स किया करते थे और जो मिस्टर बब्बर की वजह से कभी पूरी नहीं हो पा रही थी। सर ऐसे गुंडों की दुश्मनी दोस्ती दोनों बहुत बुरी होती है सर। अगर वो पैसा देते हैं तो वसूल भी लेते हैं, वरना जान ले लेते हैं सर। मेरे पापा बता रहे थे कि जिस गाड़ी में आपके डैड लास्ट बैठे थे वो गाड़ी भी उन्हें किसी चालबाज पॉलिटिशियन ने गिफ्ट की थी। No, that's not true. सर यही सच है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने डैड का बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। अगर ये गाड़ी उनकी मेहनत की कमाई की है तो पैसे भी बैंक अकाउंट से ही निकलने चाहिए ना। उसी में से गया था। मुझे पता है क्योंकि मेरे डैड ने लोन लिया था वो गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं मैं ये सारी चीजें? एहसान फरामोश हो तुम, मेरे डैड को बदनाम कर रहे हो। हाँ उन्हीं के दिए हुए पे पले हुए तुम आज तक, उनको बदनाम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। हाँ अगर आपको इन सब बातों का सबूत चाहिए तो सर मैं आपको सबूत पक्का दूंगा, लेकिन मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं। झूठ बोल रही है। मैं कह रही हूं वीरेंद्र ऐसे नहीं थे। वो बहुत ऑनेस्ट थे, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये सब कुछ बनाया। ये आदमी झूठ बोल रहे हैं, मैं तुमसे कह रही हूं ये आदमी झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं। प्लीज मॉम, प्लीज। मैं अंकल को बचपन से जानता हूं, वो बहुत शरीफ आदमी थे, और ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसने किसी से पैसे खाए। बैंक में कोई अपनी जान पहचान का है क्या? प्रिया तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है ना? हाँ वो क्रिश, मिस्टर कपूर कहां गए? वो दिखाई नहीं दे रहे। राम, राम कैन यू हियर मी? आई गेस उसने डिस्कनेक्ट कर दिया है, लेकिन वो भी रिजॉर्ट में होगा। कम ऑन लेट्स फाइंड हिम। आदि हाँ आंटी आइए बैठिए। आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। आप बैठे नहीं थे? नहीं, बच गए। आज मौके पे छुपे नहीं होते ना, तो गए थे हम। मेरा आइडिया भी काम कर गया। तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, शशि जी खुद बात कर लेंगे ना। क्यों? हाँ वो क्या है कि राम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आया ना, मैं उसे डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फोन पे तो बात कर ही सकता है ना। मैं कॉल कर लेता हूँ उसे। अब हेलो राम, क्या बिजी हो क्या अभी? अच्छा फ्री हो? हाँ तो क्या? अच्छा कुछ बात, एक सेकंड। अब एक मिनट राम को कुछ पर्सनल बात करनी है। तुम चलो, मुझे एक काम था। असंतोष मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर राम तुम्हारे पास आए तो तुम्हें उससे वही कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओके? अब आगे क्या? आगे क्या होगा, अब राम फूट फूट के रोएगा। राम, राम ये तो वही रिप्लग है जो राम ने पहना था। अगर ये यहाँ तो मिस्टर कपूर कहाँ पर है? गाइस ये राम का फोन वहां लॉबी में पड़ा था। वो संतोष भाग गया। तो उसको तो हम ढूंढ लेंगे आदि, लेकिन राम को ढूंढना जरूरी है। सारी बातें दिल पे ले ली उसने। तुम्हें पता है ये जगह देख रही हो? मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांसें यहीं ली होगी। उनकी गाड़ी वहां नीचे गिरी थी उस खाई में, इसी जगह उनकी सांसें टूटी।
वजह से आज मेरा विश्वास टूट रहा है। मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मेरे पिता ना कुछ गलत कर सकते हैं। प्रेम, पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब शायद गलत ही था। सब गलत, सब फरेब, सब झूठ, सब। नहीं मिस्टर कपूर, आप गलत सोच रहे हैं। क्या क्या सोचूं मैं यार? तुम बताओ मैं क्या सोचूं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या सोचूं प्रिया। उस मैनेजर ने जो कहा शायद वो सच हो सकता है। मेरी फादर वाज अ करप्ट मैन। नो, ट्रू मे बी या नो, वो ऐसे नहीं थे मिस्टर कपूर। इस बात का प्रूफ कहां है प्रिया? प्रूफ है क्या प्रिया इसका तुम्हारे पास? क्योंकि वो तो मर चुके और उनके साथ जो भी था ना वो भी, अगर बचा तो सिर्फ मैं। मुझे नहीं पता मैं क्यों बचा, शायद मुझे नहीं जिंदा रहना चाहिए। कल जब मॉम से पूछेगी क्या जवाब दूंगा मैं, क्या जवाब दूंगा? मुझे कैसे नहीं पता था? अरे मैं डायट और कुमार अंकल के साथ काम करता था यार, मुझे पता कैसे नहीं चला? मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। मैं इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पूरा नहीं कर पाया यार। अगर मुझे पता होता मेरे पिता गलत संगत में है तो मैं शायद कुछ कर पाता। पर वो गलत संगत में नहीं थे मिस्टर। कैसे पता हमें, साबित कैसे करूं मैं? मैनेजर हमें जानता है, कोई दुश्मनी है हमारी उससे, वो झूठ क्यों कहेगा? शशि ने उसे पैसे दिए है प्रिया, और उसे छोड़ो मैं किस किस को साबित करूंगा? पूरी दुनिया को साबित करूंगा, खुद को साबित करूंगा। ये कैसे, मेरी माँ से कैसे कहूंगा मैं कि मेरे पिता, माय फादर्स नॉट अ क्रिमिनल, मैं कैसे कह पाऊंगा मैं प्रिया, मैं कह पाऊंगा क्या? मेरे पास कोई जवाब होगा मेरी माँ के लिए? मेरे पास कोई जवाब नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास नहीं। मेरी मॉम को मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे डैड क्रिमिनल नहीं थे? मैं सच कैसे बताऊंगा? मैं खुद को सच कैसे बताऊंगा? मुझे कौन बताएगा फिर? कौन बताएगा? मैं सच बताऊंगी। हाँ मिस्टर कपूर, अब मुझे आपको अपनी किडनैपिंग वाली बात बतानी ही होगी। क्या जान रही हो तुम प्रिया? सच, मैं वो बात जानती हूँ जो आप भी नहीं जानते मिस्टर कपूर। मैं प्रिया, 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 प्रिया? साहिबा कब आएंगे यार? डॉक्टर साहब प्रिया कैसी है? मिस्टर कपूर, शी नीड स्ट्रेस, अदरवाइज फूड पॉइजन का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वही हुआ है, इसी वजह से वो बेहोश हो गई। नहीं नहीं बुआ जी, डिहाइड्रेशन हुआ था एक्चुअली। वो काफी स्ट्रेस चल रही है और दवाई भी नहीं ले पाई तो इसलिए चक्कर आ गया, पर अभी एकदम ठीक है, काफी काफी बेटर है। पर पूरी तरह फिट रहने के लिए उन्हें सिंपल खाना और फ्लूइड ही लेना होगा। ओके ओके। एंड मेडिसिंस तो बिल्कुल नहीं भूलनी होगी। आई विल मेक श्योर कि ये हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं राम करता हूं जी। बच्चे, मैं क्या सोच रही थी कि मैं प्रिया को अपने घर ले जाती हूँ, वो मेरी नजर के सामने रहेगी तो थोड़ा मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा। मैं बस ठीक ठीक है, मैं प्रिया से क्या हुआ मॉम? तुम्हारे डैड को क्रिमिनल बोला गया है, ये हुआ है। तुम हमें अचानक ऐसे छोड़कर गायब हो गए, ये हुआ है। मॉम मैं वो मुझे समझ नहीं है। आई एम सॉरी, आप दोनों मुझे थोड़ा टाइम देंगे प्लीज? हम हैं प्रिया के साथ, हम प्रिया के साथ हैं ना, डोंट वरी। चलिए मॉम, क्या हुआ राम? प्रिया के पास जाना है तुम्हें?
अपनी बीवी के पास? तभी प्रायोरिटी है ना तुम्हारी, सब कुछ बन गई है तुम्हारी। नाइस, वेरी नाइस। क्या तुमने एक भी बार किसी भी पॉइंट पे मेरे बारे में सोचा, अपनी माँ के बारे में सोचा, या बस मैं ये सोचना छोड़ दूँ कि तुम हमारे लिए हो, या मैं उम्मीद छोड़ दूँ राम? आई नो प्रिया इज नॉट वेल, और इसलिए तुम उसके साथ थे वहाँ, लेकिन हम अकेले थे, मैं, शुभु, शिवी, कोई नहीं था हमारे पास, कोई नहीं था। मुझे एक बात बताओ राम, एक सेकंड के लिए भी क्या तुम्हें हमारी याद आई? क्या ये ख्याल आया मुझे कैसा लगेगा जब तुम ऐसे अचानक बिना बताए कहीं चले गए, गायब हो गए? क्या हालत हुई होगी मेरी? सोचा? आई बेट नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा ना। देखो बच्चों, ख्याल आया भी होगा ना तो नंदिनी जी किसी की सुनेंगी नहीं, वो बहुत अपसेट है। ऑब्वियसली माँ, वो मैनेजर ने जो वीरेंद्र अंकल के बारे में बताया वो कितना शॉकिंग था। इसी बारे में तो बात करनी है मुझे मिस्टर कपूर से, ये सब कुछ बताना है मुझे उन्हें। पर सुन प्रिया, याद है मैंने तुझे क्या कहा था कि राम को चाहिए कि वो तेरे और नंदिनी जी के बीच में बैलेंस बना के रखे, और आज ही वहां वो चूक गए। देख बच्चे, राम बहुत अच्छे इंसान है, पर उससे भी कहीं बेहतर बेटे हैं, भाई हैं। पर अभी क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक पति होने की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नंदिनी जी को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि राम के लिए तू ही सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा जरूरी। पर माँ मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है इसमें तो। मैं पता है प्रिया, लेकिन अगर नंदिनी आंटी को ऐसा लगता है तो हमें इसका सलूशन जरूर निकालना चाहिए। उनके और राम के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसे दूर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि तेरे यहाँ रुकने से ये नहीं हो पाएगा। मतलब प्रिया, तो ऐसा क्यों नहीं करती, आज रात हमारे साथ चल, घर चल, हम तेरा ख्याल रखेंगे और राम उनकी फैमिली का ख्याल रखेंगे। इससे बात बन सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। वो जो रैश था मेरे हाथ में, वो कंगन की वजह से नहीं था, वो उन रस्सियों और कील की वजह से था जिससे मुझे चोट लगी थी जब मैं उन गुंडों से बच के भागने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर कपूर, इससे ये साबित होता है कि वो जो मैनेजर है वो झूठ बोल रहा था, उसकी कही हुई हर बात झूठी थी। आपके पापा क्रिमिनल नहीं थे, कोई और ही क्रिमिनल जिसने मुझे किडनैप करवाया था, क्योंकि और तो कोई वजह ही नहीं है किडनैप करने की। प्रिया ठीक कह रही है राम, इसकी किडनैपिंग हुई थी। तुम्हें ये बात पता थी? या मैं मिला था प्रिया से, अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के बाद, तभी इसने मुझे सब कुछ बताया। और तुम्हें लगा नहीं कि ये बात मुझसे शेयर करनी चाहिए? तुम्हारा क्लाइंट कौन है? राम तुम दोनों मेरे क्लाइंट हो, मेरी लॉयल्टी तुम दोनों की तरफ है। कल को तुम मुझे कुछ छुपाने को कहोगे तो मैं छुपाऊंगा। छुपाने को? हाँ, छुपाने को कहोगे। मिस्टर कपूर, अभी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे बात नहीं करनी है तुमसे प्रिया। विक्रांत फ्री है, प्रिया को घर छोड़ा, मीरा माँ के घर। आप प्लीज मेरी बात, मीरा माँ चाह रही थी कि वो तुम उनके घर पर जाके रेस्ट करो। तो मैं समझ सकती हूँ आपको अभी गुस्सा आ रहा है। बात सुनता नहीं है क्या तू? छोड़ेगा इन्हें? ओके, दैट इज योर फिफ्थ ब्रो। या आई डोंट गेट हाई, हाँ रिलैक्स, सॉलिड कैपेसिटी, हाँ काफी सॉलिड, प्यार भी सॉलिड और गुस्सा भी सॉलिड। यू नो राम, तुम्हारे इस सॉलिड प्यार और गुस्से ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तुम प्रिया से प्यार करते हो, लेकिन क्योंकि उसने तुम्हें अपने किडनैपिंग वाली बात नहीं बताई, तुम उससे नाराज हो, लेकिन मुझसे नहीं। तुमने प्रिया से बिना बात किए, उसको बिना सुने, उसको उसकी मॉम के घर भेज दिया, लेकिन यहाँ मेरे साथ बैठ कर तुम बातें कर रहे हो, एंड यू आर हैविंग दिस विस्की एंड ऑल। Isn't it strange?
ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने मुझे बताया किडनैपिंग के बारे में, नहीं ना? तो सेम टू सेम यार, वो मैंने प्रिया के कहने पर ही। और ऑप्शन था तुम्हारे पास, प्रिया के साइड लेने का या नहीं लेने का, और तुमने वही किया जो तुम्हारे मन ने कहा, राइट? फिर मैं भी वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। क्या कर लोगे तुम ऐसे, कुछ कर पाओगे? हाँ, क्या करूंगा मैं? वैसे एक चीज है जो तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे। मतलब? तुम फाइंड आउट करोगे कि कौन है वो इंसान जो ये सब करवा रहा है। हालांकि इस सबके पीछे शशि का हाथ है वो मैं जानता हूं, और ये शशि का लेफ्ट राइट जो भी हाथ है ये उसके कहने पर ही हर काम को अंजाम दे रहा है। अंजाम तक तो मैं पहुंचाऊंगा उसे, एक बार वो पकड़ा जाए। उफ, नो आइडिया मेरी फैमिली कितना कुछ झेल रही है इसके वजह से। हम ये आदमी है बहुत चालाक, एंड आई एम श्योर कि उस मैनेजर तक भी यही हमसे पहले पहुंचा होगा हमारी गेम को बदलने के लिए। डोंट माइंड सेइंग दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी है तुम्हारा कोई करीबी है, तुम्हारा कोई अपना। कौन? वरुण जीजू। हाँ, किचन में यही बात तो करना चाह रही थी मैं तुझसे, लेकिन फिर वो शिवीना, वो फिश केक का वो सारा कांड हो गया, तो उसमें मेरी बात रह गई। देख, राम ने क्या कहा कि वरुण बीच पे जा रहा है, लेकिन वरुण जब बीच से लौटा ना तो उसके जूते पे रत्ती भर का भी रेत नहीं था, और वरुण को नफरत है बीच से। हाँ तो ठीक है ना सारा दी, हम कई बार वो चीजें कर लेते हैं जो हमें पसंद भी नहीं होती है। अब आप मिस्टर कपूर को देख लीजिए, उन्हें दो कदम चलना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे डांटने पर और डॉक्टर के कहने पर वो जाते हैं ना रोज जॉग करने, कम से कम 1 किलोमीटर ही सही। वो तेरे कहने पे जाते हैं और वो तेरे लिए जाते हैं प्रिया, और प्लीज तू थोड़ी देर के लिए तेरे मिस्टर कपूर को साइड पे रख सकती है। बोल, मेरी बात सुन। देख, पहले वरुण बीच पे गया था, ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए फिर से गायब हो गया था। फिर उसके बाद तुझे याद है ईशान ने बोला कि वरुण मेडिसिन्स लेने गया है, लेकिन वरुण कोई मेडिसिन्स लेकर आया ही नहीं। तो कोई बात नहीं ना सारा दी, आप ना बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, क्योंकि इतना कुछ है नहीं यहाँ सोचने के लिए जो आप सोच रहे हो, तो प्लीज रिलैक्स। यार शायद तू सही कह रही है, मैं बेकार में ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि वरुण हमेशा पापा की संगत में रहा है और उनके लिए काम किया है, इसके लिए दिमाग में थोड़े डाउट्स और इनसिक्योरिटीज ऐसे सब आते रहते हैं। But you're right. हो सकता है कि सच में वो बेचारा राम को ही ढूंढने गया होगा। क्या? क्या कहा आपने? जब वरुण वापस आया था ना, तो मैंने तेरे मेडिसिन्स के बारे में पूछा उसे, तो उसने मुझे बताया कि राम मिसिंग है, उसके स्ट्रेस में वो मेडिसिन्स भूल गया। पर उन्हें कैसे पता कि मिस्टर कपूर मिसिंग है? मतलब जब ये बात हुई थी तब तो वो उस कमरे में भी नहीं थे, और हमने होटल के स्टाफ को किसी को नहीं बताया कि मिस्टर कपूर मिसिंग है, तो फिर तो क्या सारा दी का डर सही है? वरुण जी जो वाकई कुछ गलत कर रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है राम, और उसकी नजर है हम पर, स्पेशली तुम पर। एवरीवन्स फैमिली देयर, शायद गेस्ट में से कोई हो। मैंने चेक किया, उस होटल में सिर्फ 3 गेस्ट थे। एक फैमिली थी जिन्होंने हमारे चेक इन करने से पहले चेकआउट कर लिया था, एक मैरिड कपल था जो वहाँ पे हनीमून के लिए आया था, और तीसरा 3-4 कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो पिकनिक के लिए आए थे, बट नो वन इज अ सस्पेक्ट। स्टाफ? एक आदमी था जो तुम्हारे रूम में था, बट सीसीटीवी में उसका फेस कैप्चर नहीं हुआ है। होटल वाले पता कर रहे हैं उसके बारे में। राम और प्रिया गलत नहीं है, वो मैनेजर झूठ बोल रहा है तुमसे, इसलिए तुम्हें लगता है प्रिया परफेक्ट है ना? लेकिन नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता, और इस बार प्रिया गलत है, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो किडनैपिंग वाली बात छुपाई उसने तुमसे इसलिए। अच्छा एक बात बताओ राम, अगर उस वक्त तुम्हें अगर ये किडनैपिंग वाली बात पता चल जाती तो क्या तुम इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते? डिफेंड कर रहे हो उसे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि प्रिया सही थी या गलत, क्योंकि उस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बाद ही तुम इस इन्वेस्टिगेशन में इतना आगे बढ़े हो। I'm just wondering कि अगर उस वक्त तुम्हें इस बारे में पता चल जाता या प्रिया तुम्हें बता देती तो तुम कहाँ होते राम अभी? बहुत पीछे होते, नहीं? You know, एक रिलेशनशिप में कोई भी बात छुपाना एक दूसरे से,
That is not right. शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है क्योंकि तुम किसी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में नहीं रहे हो. मिस्टर दीक्षित, am I right? मिस्टर कपूर, मैं तुम्हारा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, कोई रिलेशनशिप काउंसलर नहीं. फिर भी मुझे लगता है कि प्रिया ने जो कुछ भी किया इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल सही किया. बट एनीवे, ये तुम दोनों के आपस का मसला है, मेरा बोलना ठीक नहीं होगा. रेस्ट इज अप टू यू. ठीक है, मैं चलता हूँ. मुझे उस आदमी का आईडी कलेक्ट करना है जिसका फेस कैमरा में नहीं आया था. आई सी यू टुमारो. गुड नाइट. एक मिनट, तुम्हें लगता है तुम बायस नहीं हो प्रिया और मुझे लेकर? आई डोंट थिंक सो. व्हाट यू मीन? मुझे पास्ट का पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम प्रिया को लाइक करते हो. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.